हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शुगर एंड सॉल्ट विद रिचा। तो आज हम बनाने वाले हैं काजू पनीर, बहुत ही आसान तरीके से और टेस्ट में इतना लाजवाब कि आप खाते ही बोलेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले कढ़ाई में गरम करेंगे तेल और उसमें 10 से 12 काजू मैंने ऐसे अलग कर लिए हैं और इनको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट करेंगे तब तक ये अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं ये, बस इससे ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे, इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद मैं लूँगी पनीर। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और उसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको भी सिंपली हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेना है थोड़ा कुक। बस इसको भी हल्का सा 1-2 मिनट तक करेंगे स्टर फ्राई ताकि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, बहुत ही लाइट सा। उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में और पनीर भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए पनीर में भी हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको भी बस अब निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको भी निकाल लेती हूँ मैं। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा और तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1 चम्मच जीरा। और हल्का सा इसको क्रैकल होने देंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और इनको सबको एक साथ मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मैं इसको डाल के इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। देखिए तो प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए थे और उसको भी अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको इसमें डाल देंगे, ये देखिए। अब इस टमाटर के साथ अब सारे बचे हुए मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और इसको ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं यहाँ पर काजू पीस लेती हूँ। मैंने काजू लिए हैं और 10 से 12 काजू है, मैंने 10 से 15 मिनट इनको पानी में सोक कर दिया है। अगर आप भूल जाते हैं इमीडिएट चाहिए तो आप सिंपली इसको 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दीजिए और उसको अब मैं मिक्सी में ब्लेंड कर दूंगी। इसी के साथ मैं डाल दूंगी अब ये काजू का पेस्ट जो अभी मैंने बनाया है, उसी के साथ डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच ये घर की मलाई है दूध की। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे, ग्रेवी को अच्छे से कुक होने देंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए इसको अच्छे से मैं पकने दूंगी। इसको क्या करेंगे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे ताकि आपकी ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए और जल्दी कुक हो जाए। और ये देखिए ग्रेवी हमारी एकदम तैयार हो चुकी है, अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है, पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1 ग्लास पानी। और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल आने देंगे। ये देखिए डाल देंगे हम पनीर और काजू जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखा था और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब इसको 1 से 2 मिनट हम ढक देंगे
उसको हल्का सा कुक होने देंगे। और बस ये देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा ग्रेवी, पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी, और उसी के साथ डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसको करेंगे मिक्स। और बस ये देखिए रेडी है हमारा मज़ेदार सा काजू पनीर, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी। चलिए फिर इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो आप भी जाइए और फटाफट से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।